हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं तो तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए बिल्कुल लाइव हूं आपके सामने और सभी को नमस्कार भाई, राधे राधे, जय हिंद। बताइएगा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? अगर मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा और आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि आज के सेशन में हम लोग क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है भाई, नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय हिंद। ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इसके पहले मैं बता दूं बच्चों कि आप लोगों के लिए एग्जामपुर है ना, यहाँ पर कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है। अगर आपको ये ऑफर चाहिए बच्चों तो आप लोग जाकर के एग्जामपुर को ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा। और इस एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करेंगे ना, ठीक है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अपने आपको रजिस्टर कर लीजिएगा। और यहाँ पे जितना बुक वाला ऑफर आया, ठीक है, एक तो बुक का ऑफर है और एक बच्चों आपको अभी दिवाली 75 कोड आपको इस्तेमाल करना है। तो दिवाली पर ये ऑफर लाएगा, ठीक है, दिवाली 75 ये कोड आप यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कवर किया गया है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, बताएंगे तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है ये क्या है। चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, बताओ भाई। आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति में ना एक बहुत ही महानतम क्रांतिकारी बच्चों जो थे तात्या टोपे थे, इनके बारे में अगर बात पूछो तो इनका नाम क्या था? गंगाधर था। क्या नाम था? गंगाधर। किसका नाम था? तात्या टोपे का नाम याद ना है ना, क्या सोचो तो याद रखना इनका नाम है ना, गंगाधर था। ठीक है, क्या नाम है याद रखना बच्चों इनका नाम, सॉरी एक मिनट, रामचंद्र। क्या नाम था? रामचंद्र। ठीक है, क्या था? रामचंद्र। इनका तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र। और इनके भाई कौन थे? इनके भाई कौन थे? गंगाधर थे। ठीक है, गंगाधर कौन थे बच्चों? इनके तात्या टोपे के बड़े भाई। ठीक है, क्या था? बड़े भाई का नाम, ठीक है, बड़े भाई का नाम क्या था? तो तात्या टोपे के बड़े भाई का नाम गंगाधर था। और इनका वास्तविक नाम क्या था? तो याद है तात्या टोपे का रामचंद्र था। ठीक है, क्या था? रामचंद्र। बच्चों पांडुरंग, आपने पढ़ा होगा इतिहास में इनके बारे में कि रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, किसे कहा जाता था? तो रामचंद्र पांडुरंग ये आपके तात्या टोपे का नाम था। रामतनु पांडे क्या थे, कौन कहलाते थे? तो रामतनु पांडे बच्चों ये आपके सॉरी तानसेन कहलाते, कौन? तानसेन कहलाते थे। क्या? तो नोट करना, रामतनु पांडे कहलाते थे। और बीरबल किसे कहा जाता था? तो बीरबल बच्चों महेश दास को। ठीक है, बीरबल का ओरिजिनल महेश दास नाम था। क्या नाम था? बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या था? महेश दास नाम था। ठीक है, तो महेश दास किसका नाम? बीरबल का। रामतनु पांडे किसका नाम? तानसेन का। और पांडुरंग किसका नाम? तो रामचंद्र पांडुरंग बच्चों आपके तात्या टोपे का। और इनके बड़े भाई का नाम क्या था? गंगाधर इनके बड़े भाई का नाम था। ठीक है, क्या? बड़े भाई। और देखो यहाँ पर एक नाम और है, हरिशंकर ब्रह्माचारी। क्या नाम है? हरिशंकर ब्रह्माचारी की बात करें तो हरिशंकर ब्रह्माचारी किसका नाम है? तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? चंद्रशेखर आजाद। किसका नाम सुना है? चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद साहब का नाम सुना आप लोगों ने बच्चों। और इनका जन्म कहाँ था? भावरा। भावरा जो कि आज आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भावरा ये कहाँ पर है? अलीराजपुर। पहले ये झाबुआ में आता था, अब ये कहाँ आता है? अलीराजपुर जिले के अंतर्गत। कहाँ पर? अलीराजपुर जिले के अंतर्गत आ जाता है भावरा। ठीक है, ध्यान रखते, इसका नाम बदल के क्या कर दिया? चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। ठीक है, नोट करेंगे। तो देखो याद रखेंगे ये सारी चीजें। और बच्चों आपकी जो ये गंगाधर थे सॉरी रामचंद्र पांडुरंग की बात करें कि तात्या टोपे जी की बात करें तो तात्या टोपे को समाधि कहां पर, फांसी कहां दी गई थी? तो याद रखना 1859 में। कब? 1859 में बच्चों। शिवपुरी जिला कहां पर दी गई थी इनको फांसी? तो शिवपुरी में इनको फांसी दी गई थी। कहां पर? शिवपुरी में इनको फांसी दी गई थी। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि इनको फांसी कहां दी गई, तो शिवपुरी जिले के अंतर्गत इनको फांसी दी गई थी 1859 के दौरान। ठीक है, तो ये भी इन्होंने क्रांतिकारी अपने शुरुआत कहां से की थी बच्चों? भारतीय आंदोलन की बात करें, 1857 की क्रांति की बात करें तो पहले नाना साहब से काम ले थे कानपुर में, फिर आकर के इन्होंने है ना ग्वालियर क्षेत्र में रानी झांसी के साथ मिलकर के इन्होंने आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो याद रखना, तो ये क्या था? रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम है? तात्या टोपे का नाम हो गया। चंद्रशेखर आजाद, हरिशंकर ब्रह्माचारी जो कि नाम है। और इन्होंने अपने आप को गोली कहां मारी थी बच्चों? 1931 में, 1931 के अल्फ्रेड पार्क जो कि कहां पर है? अल्फ्रेड पार्क बच्चों कहां पर आ जाता है? तो ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। ठीक है, इसी को कंपनी बाग के नाम से भी जानते हैं। क्या? कंपनी बाग के नाम से भी किसे जानते हैं? अल्फ्रेड पार्क को याद रखना, इसे कंपनी बाग भी कहा जाता है जो प्रयागराज के अंतर्गत है। कहां पर? प्रयागराज के अंतर्गत स्थित है। चलिए यहां से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई या फिर आगे बढ़े। और सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है, नमस्कार भाई, सभी बच्चों को नमस्कार, राधे राधे। ठीक है, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो बताओ भाई, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, आओ बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आओ बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ध्यान रखना इनकी समाधि भी कहां? शिवपुरी में। तात्या टोपे की समाधि कहां पर है? तात्या टोपे की जो समाधि बच्चों शिवपुरी में। ठीक है, शिवपुरी में क्या है? तात्या टोपे की समाधि।
तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर? शिवपुरी में है। और अगर देखा जाए तो आपके तानसेन की समाधि कहाँ पर? ग्वालियर में। ठीक है, तानसेन की समाधि कहाँ पर इनका? ग्वालियर में तानसेन की समाधि स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, क्या गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर की स्थापना किस वर्ष में की गई? चलिए बताएंगे जो बच्चों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि कौन है? गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जीओसी, क्या है, सॉरी जीओएफ, क्या नाम है? जीओएफ, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जीओएफ जो जबलपुर है, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई? 1942, 43, 55 या फिर 72, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, जबलपुर जो बच्चों आपका है ना, जबलपुर आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1942 में। ठीक है, कब की गई? आपको मैं बार बार हमेशा देखा होगा क्लासेस में, मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर है, जबलपुर में। तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कब स्थापित की गई? 1942 में, याद रखना, जबलपुर के अंतर्गत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। 1943 में क्या बनी? तो भाई साहब याद है, 1943 में ना गन फैक्ट्री, ठीक है, कौन बनी? गन कैरिज फैक्ट्री, गन कैरिज, गन कैरिज फैक्ट्री, ये कहाँ है? जबलपुर में, ये भी है, नोट करेंगे, गन कैरिज फैक्ट्री कहाँ पर बची है? जबलपुर में है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1943 में इसकी स्थापना की गई। 1955 में किसकी की गई? तो 1955 में आपने पढ़ा होगा व्हीकल फैक्ट्री, क्या व्हीकल फैक्ट्री का नाम सुना है आप लोगों ने? बिल्कुल सुना है व्हीकल फैक्ट्री, ये भी कहां पर है? जबलपुर में व्हीकल फैक्ट्री है, व्हीकल फैक्ट्री कहां है? जबलपुर में। तो इसकी स्थापना कब की गई? तो जबलपुर में इसकी स्थापना 1955 के दौरान व्हीकल फैक्ट्री की गई। 1972 में क्या स्थापित किया गया? तो जो ग्रे आयरन फैक्ट्री, क्या है? ग्रे आयरन फैक्ट्री, ये भी जबलपुर में, नोट करेंगे, ग्रे आयरन फैक्ट्री, ये कहां? जबलपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1972 के दौरान जबलपुर में, कहां पर ये भी है? जबलपुर में इसकी स्थापना की गई। तो ये सारे पॉइंट आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, सब कहां संबंधित? जबलपुर से। इसी जबलपुर में ध्यान रखना क्या क्या है स्थित, तो ग्रामीण, देखो ग्रामीण विकास बच्चों प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? ग्रामीण विकास जो प्रशिक्षण संस्थान है ये कहां पर है? ये आपके जबलपुर में स्थित है। पर्यावरण कार्यालय, क्या है? पर्यावरण जो आपका अनुसंधान केंद्र है, मध्य प्रदेश राज्य, क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण अनुसंधान संस्थान, ये कहां है? जबलपुर में। अभी आपको पता होगा जियो पार्क, ठीक है, यहां पर क्या जियोलॉजिकल पार्क क्या बनाया गया? तो जियोलॉजिकल पार्क बच्चों आपके कहां स्थापित किया गया? जियोलॉजिकल पार्क क्या था आपके, ये है ना, कहां स्थापित किया गया? जबलपुर के लमेटा घाट में स्थापित किया गया। यहीं पर आप देखेंगे क्या मदन महल स्थित है, जबलपुर में क्या है? मदन महल जो राजा मदन शाह ने बनवाया था, कहां पर? जबलपुर के अंतर्गत भेड़ा घाट यहां पर आ जाता है। कौन सा भेड़ा घाट कहां है? जबलपुर में भेड़ा घाट स्थित है। साथ में ध्यान रखना यहां पर बच्चों 52 ताल है, क्या है? 52 ताल है, जैसे आधार ताल है ना, आधा ताल, गढ़ा ताल, मढ़ा ताल है ना, इस तरह से ताल कितने? 52 ताल मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यहीं पर क्या स्थित है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहां पर था आपके? ध्यान रखना यह जबलपुर के अंतर्गत आ जाती है ना। बरेला यहीं पर बच्चों क्या आता है? बरेला एक जगह का नाम है जहां पर रानी दुर्गावती की समाधि है। रानी दुर्गावती की समाधि कहां पर है? जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधि बरेला में है। हाईकोर्ट मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो बच्चों है क्या है? हाईकोर्ट है, ये भी जबलपुर में स्थित है। कब बनाया गया? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अभी इसके चीफ जस्टिस कौन है? रवि मलिमत है। क्या नाम इनका है? रवि मलिमत। ये वर्तमान में कौन है? याद रखना ये वर्तमान में हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के, यानी कि जबलपुर हाईकोर्ट के ये वर्तमान में हेड है। और पश्चिम मध्य रेलवे WCR का हेडक्वार्टर कहां पर है? याद रखना 2003 में बना, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर? जबलपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? जबलपुर में। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है। तो ये तमाम जितनी भी सारी बातें हैं, ठीक है, जितनी भी बच्चों यहाँ पे बातें हमने आपके सामने लिखी सब जबलपुर में है। और मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, नोट करेंगे, पहला जो इंजीनियरिंग कॉलेज था बच्चों, ठीक है, क्या है? मध्य प्रदेश का पहला जो इंजीनियरिंग कॉलेज है कौन सा? तो जबलपुर, JAC के नाम से इसे जानते हैं, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। क्या नाम बोलते हैं? तो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1946-47 में। कब? 1946-47 में किसकी स्थापना हुई? जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। और ये मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, क्या था? ये पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र, नोट करिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र,
ये कहाँ है तो नोट करना आपके लिए, जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर? जबलपुर के अंतर्गत स्थित है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? बताओ भाई, इनमें से बच्चों जो लोकसभा का लोकसभा के क्षेत्र, ठीक है, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में एसटी के लिए 6 सीटें हैं और लोकसभा की एससी के लिए कितनी? 4 सीटें हैं, ठीक है। किसकी बात हो रही है? ये लोकसभा की बात हो रही है, नोट करिएगा। क्या है? ये लोकसभा की बात हो रही है। तो लोकसभा में इनमें से बताना है आपको कौन सी ऐसी सीट है लोकसभा की जो कि किसके लिए आरक्षित है। ये बच्चों आपके एससी के लिए आरक्षित है, ठीक है। बताइएगा कौन सा इनमें से आरक्षित है, फटाफट आंसर बताओ भाई जल्दी से। चलिए बताएंगे कौन सी इसमें आरक्षित सीट आ जाती है जो कि किसके लिए है। ये आपके है ना अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है, किसके लिए? एसटी के लिए। यहाँ पर निर्धारित की गई किसके लिए? एसटी के लिए। शेड्यूल ट्राइब्ड, टोटल 6 सीटें हैं। आइए देखते हैं तो इनमें से कौन बच्चों मंडला हो जाएगा। क्या मंडला? ध्यान रखना जो मंडला है ना किसके लिए? एसटी के लिए निर्धारित है। किसके लिए? एसटी के लिए बच्चों, ये रिजर्व है मंडला। मंडला के अलावा ध्यान रखना धार झाबुआ, ठीक है, क्या होगा नोट करेंगे, धार झाबुआ शहडोल, ठीक है, क्या है? शहडोल, बालाघाट, ठीक है, क्या हो गया? तो मंडला कितने हो गए? एक, बालाघाट एक हो गया, शहडोल दो, झाबुआ तीन, धार चार, मंडला पांच। एक जिला यहां पर और आ जाता है, ठीक है, एक जिला बच्चों यहां पर और आ जाता है जो यहां पर मिस हो रहा है, ठीक है, एक और आपका एसटी जिला आ जाता है जो यहां पर मिस हो रहा है, ठीक है, नोट करेंगे, एक आ जाता है आपका बैतूल। क्या है? बैतूल जिला। तो ये किसके लिए रिजर्व है? याद रखना ये लोकसभा क्षेत्र जो है आपके है ना एसटी के लिए निर्धारित है। और एससी के लिए कितनी? 4 सीटें हैं, जिनमें से देखो एससी के लिए क्या है? भिंड, उज्जैन और टीकमगढ़। क्या है? भिंड, उज्जैन और टीकमगढ़। किसके लिए है? ये जो 3 सीटें हैं ना ये किसके लिए है? ये याद रखना ये एससी के लिए है। और चौथी जो सीट है बच्चों जो आपके लिए यहाँ पर यानी कि अलग से एससी के लिए रिजर्व है, कौन? साजापुर, ठीक है, कौन सी है? साजापुर का नाम सुना है ना, साजापुर डीला, जो मक्सी साजापुर आता है, साजापुर से क्या बना? आगर मालवा, ठीक है, साजापुर से क्या बना? आगर मालवा। तो जो ये साजापुर की जो सीट है ना, तो ये जो 4 सीटें हैं नोट करना कौन कौन सी, तो भिंड, उज्जैन, ये 4 सीटें किसके लिए हैं? है ना, ये आपके एससी के लिए रिजर्व हैं। क्लियर रहेगा? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट बताओ भाई। तो ये 4 सीटें किसके लिए हैं? आपके एससी के लिए रिजर्व हैं। टोटल लोकसभा की सीट मध्य प्रदेश में कितनी है नोट करेंगे, कुल लोकसभा की सीट मध्य प्रदेश में 29 है। कुल लोकसभा जो सीट है बच्चों, ठीक है, क्षेत्र कितने हैं मध्य प्रदेश में? 29 है, ठीक है। चलिए और अगर बात करें यहाँ पर जैसे कि बात करने का राज्यसभा, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बच्चों 11 राज्यसभा की सीटें हैं। और जो विधानसभा की टोटल सीट मध्य प्रदेश में कितनी है, तो विधानसभा में नोट करेंगे आपकी 230 सीटें, ठीक है, 230 सीट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 230 सीटें यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। आगे बढ़ जाए, यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो बताओ भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो बता दो या फिर आगे बढ़ जाए। और राज्य विधानसभा में पूछेगा ना, क्या पूछे? राज्य विधानसभा में एसटी और एससी के लिए कितनी सीटें हैं? तो एसटी के लिए बच्चों 47 सीटें हैं, ठीक है, और एससी के लिए कितनी है? 35 सीटें यहाँ पे रिजर्व है, ठीक है, कितने? एसटी और एससी के लिए कितनी सीटें हैं? तो 47 और 35 सीटें यहाँ पे मध्य प्रदेश विधानसभा में रिजर्व है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात के बराबर है? बताइएगा मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसका की है ना जिसका की सेक्स रेशियो कितना है? बच्चों ये मध्य प्रदेश के एवरेज के बराबर है, ठीक है, क्या है? मध्य प्रदेश के जो एवरेज सेक्स रेशियो है ना इसके ये बराबर है, भिंड, रीवा, भोपाल या फिर इंदौर, ठीक है। और मध्य प्रदेश का देखो सेक्स रेशियो कितना है, बच्चों आपने पढ़ा होगा कितना, तो 931 के लगभग, कितना है? 931 के लगभग किसका है? ये मध्य प्रदेश का है ना लिंगानुपात किसका है? मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात बच्चों कितना है, तो 931 ये मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है सेक्स रेशियो। तो बताइएगा इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जिसका कि लिंगानुपात 931 के बराबर है? बिल्कुल बहुत बड़ा, क्या हो जाएगा? रीवा जिला हो जाएगा। क्या? रीवा डिस्ट्रिक्ट। इसका भी बच्चों कितना है, तो 931 के लगभग किसका है? तो रीवा डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशियो है जो कि पर 1000 यहाँ पर काउंट होता है। कितना? पर 1000 सेक्स रेशियो काउंट होता है। तो किसका हो जाएगा एवरेज? ध्यान रखना तो मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है उसका किसके बराबर है? तो रीवा के बराबर है। अब देखो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में नोट करना कि जो सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में किसका मिलेगा, तो आप जानते हैं किसका है? बालाघाट का है। सबसे ज्यादा किसका है? बालाघाट का। कितना मिलेगा आपको?
बच्चों यहाँ पर 1021 है, ठीक है, 1021 पर 1000 मिल जाएगा, ठीक है, किसका, बालाघाट का मिलेगा। और सबसे कम किसका, भिंड का, सबसे कम किसका है तो नोट करना, सबसे कम आपके भिंड जिले का हो जाएगा, ठीक है। और भिंड जिले का कितना, 837 के लगभग, कितना है, 837 पर 1000 किसका है, ये भिंड जिले का सेक्स रेशियो हो जाएगा, किसका है, भिंड जिले का सेक्स रेशियो जो सबसे कम है पूरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि भारत में किसका सबसे ज्यादा है देश में, तो भारत की बात करें बच्चों, पूरे देश में अगर बात करें तो राज्य सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किस राज्य का है, तो केरल का है, ठीक है, किसका है, केरल का सबसे ज्यादा है, ठीक है, सेक्स रेशियो। और सबसे कम किसका, हरियाणा का, ठीक है, केरल सबसे ज्यादा लिख लीजिएगा, है ना, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किसका, केरल का है। और सबसे कम किसका है तो नोट करेंगे, सबसे कम आपका हो जाएगा हरियाणा का, ठीक है, सबसे कम किसका, हरियाणा राज्य का हो जाएगा, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व तो पूछेगा, तो घनत्व तो कितना है मध्य प्रदेश का, जनसंख्या घनत्व याद है 236 पर स्क्वायर किलोमीटर है, और ये किसका है, मध्य प्रदेश का है, ठीक है, मध्य प्रदेश का। और पूरे भारत का पूछेगा तो भारत का लिखना 382, ठीक है, 382 स्क्वायर किलोमीटर क्या ये पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व तो हो जाएगा, कितना, ये पूरे भारत का जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व तो पूरे भारत का है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का जनसंख्या, है ना, जनसंख्या घनत्व तो किसका है, पूरे एमपी का, तो 236 स्क्वायर किलोमीटर, सबसे ज्यादा किसका है, भोपाल का, ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो किसका सबसे ज्यादा है, भोपाल का है, भोपाल कितना है, 855 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और सबसे कम किसका है, ये ज्यादा वाला हो गया, और कम वाला किसका है, तो कम में नोट करेंगे आपका डिंडोरी का, किसका है, डिंडोरी जिले का हो जाएगा, और डिंडोरी का कितना है, 94 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, कितना, डिंडोरी का 94 स्क्वायर किलोमीटर, ये किसका था, डिंडोरी जिले का आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बताइएगा, भरहुत स्तूप की खोज किस वर्ष में की गई, भरहुत जो स्तूप है ना, इसकी खोज किसने की और कब की, बताइएगा, ठीक है। चलिए बताओ भाई जल्दी से फटाफट, जितने बच्चे हमारे साथ लाइव है ना, सारे बच्चे आंसर करेंगे कि जो भरहुत स्तूप है बच्चों, इसकी खोज कब की गई और किसने की, ठीक है, भरहुत स्तूप कब खोज की गई और किसने की, तो 1873 में कनिंघम ने, किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, नोट करिएगा, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किसने खोजा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में इसकी खोज की थी। और भरहुत स्तूप कहाँ है, सतना जिले के अंतर्गत, कहाँ पर है, सतना जिले के अंतर्गत भरहुत स्तूप आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1818 में कौन खोजा गया, 1818 में सांची, 1818 में क्या खोजा गया, सांची बौद्ध स्तूप खोजा गया, और इसकी खोज किसने की थी, जनरल टेलर ने, किसने, जनरल, जनरल टेलर ने बच्चों किसी खोजा था, 1818 में सांची स्तूप को खोजा था। और सांची बच्चों ध्यान रखना 2018 में इसके कितने साल हो गए, 200 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है, कितने खोजने के, तो 200 वर्ष बच्चों इसके खोदने के कितने, या फिर पता लगाने के कितने, 200 वर्ष इसके पता लगाने के कंप्लीट हो गए। तो भारत सरकार ने यानी कि आरबीआई ने इसे क्या किया, 200 रुपए के नोट पर ऐसा सिंबल तौर पर इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, 200 रुपए के नोट पर किसका सिंबल है, तो बच्चों पहचान चिन्ह किसका, सांची बौद्ध स्तूप का, जो कि मौर्यकालीन है, किसका है, ये मौर्यकालीन स्तूप है, जो कि रायसेन, रायसेन जिले के अंतर्गत है। 2003 में क्या खोजा गया, 2003 में भीम बैठका को खोजा गया, किसे खोजा गया, भीम बैठका को 2003 में खोजा गया। और भीम बैठका की खोज किसने की थी, तो नोट करना, भीम बैठका की खोज वाकणकर जी ने की, ठीक है, विष्णु श्रीधर, क्या नाम है, विष्णु, विष्णु श्रीधर वाकणकर ने, किसने, विष्णु श्रीधर वाकणकर ने खोजा, कब खोजा, याद रखना 1957 में, ठीक है, 57-58 के दौरान किसने खोजा, याद ना, विष्णु श्रीधर वाकणकर ने किसकी खोज की, तो 2003 में भीम बैठका। और भीम बैठका बच्चों किसमें आ जाता है, ध्यान रखना, जो भीम बैठका है ना, इसे कहाँ शामिल किया गया है, तो आप याद रखेंगे भीम बैठका को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया, ठीक है, कब शामिल किया गया, 2003 में, इसे 2003 में शामिल किया गया, ठीक है, खोजा कब गया था, 1957 में। और सांची स्तूप को कहाँ, कब शामिल किया गया, 1989 में, ठीक है, 1989 में यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया, कहाँ, यूनेस्को की धरोहर में। और 1919 में क्या हुआ, तो बच्चों आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, आपने सुना होगा देउर कोठार, जो कि कहाँ पर आता है, ठीक है, देउर कोठार बच्चों इसका पता लगाया गया था 1999 में, ठीक है, देउर कोठार। और देउर कोठार कहाँ पर आता है, तो नोट करना, देउर कोठार ये आपके रीवा जिले के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। इसका उत्खनन कब किया गया था, 1999 में, देउर कोठार जो कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आ जाता है। इसके बारे में जानकारी कब पता चली थी, 1982 में, ठीक है। लेकिन उत्खनन कार्य
जो उत्खनन कार्य था ये कब करवाया गया था, 1999 के दौरान करवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1999 में ध्यान रखना पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित किया गया। क्या पचमढ़ी जो है ना, इसे बच्चों याद था बायोस्फीयर रिजर्व किसमें, तो जो आपका क्या बोलते हैं जैव मंडल क्षेत्र, ठीक है, किसमें शामिल किया गया था, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में इसे शामिल किया गया था। किसमें, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कैसे शामिल किया गया था, पचमढ़ी को शामिल किया गया था, जो कि 1999 में इसे याद था बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में डाला गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तमाम सारी चीजें आपने नोट कर ली होगी ना। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चों आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ कि जो दिवाली अभी है ना, दिवाली ऑफर है। देखो दिवाली तो हो चुकी है, ठीक है, सबको पता है दिवाली हो चुकी है। तो भाई साहब देखो यहाँ पर आपको ना एग्जाम पर एक ऑफर यहाँ पर दे रहा है, दिवाली ऑफर की बात कर लेते हैं। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर दिवाली ऑफर देख सकते हैं कि दिवाली धमाका ऑफर है। और अगर आप दिवाली 75 कोड इस्तेमाल करेंगे, क्या दिवाली 75 कोड इस्तेमाल करेंगे, तो आपको 75% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 75% का डिस्काउंट है। तो ये एग्जाम्पल का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, किसी भी है ना कोई भी कोर्स अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से लेते हैं तो वहां पर आप क्या इस्तेमाल करिएगा, दिवाली कोड इस्तेमाल करिएगा, 75% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल को ऑफिशियल एप्लीकेशन से आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। और ये ऑफर कब तक के लिए वैलिड है, 27 अक्टूबर। ठीक है, ऑफर कब तक के लिए वैलिड है, 27 अक्टूबर तक के लिए ये वैलिड है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार वंश का अंतिम राजा कौन था, बताइएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। परमार वंश का जो अंतिम राजा था कौन था, परमार वंश की स्थापना किसने की थी, उपेंद्र राज प्रथम ने, किसने, उपेंद्र है ना, उपेंद्र कृष्ण राज प्रथम, क्या नाम था, उपेंद्र कृष्ण राज प्रथम की बात करें, ठीक है, उपेंद्र कृष्ण, ठीक है, उपेंद्र कृष्ण राज प्रथम ने बच्चों किसकी स्थापना की थी, इन्होंने किसकी स्थापना की, तो आपको पता होगा कि परमार वंश की स्थापना की थी उपेंद्र राज ने, किसने, उपेंद्र राज, क्या नाम था, उपेंद्र राज, ठीक है, उपेंद्र राज, इन्होंने बच्चों किसकी स्थापना की, तो नोट करिएगा, इन्होंने है ना परमार वंश की स्थापना की, जिसकी नगरी क्या थी, जिला याद है धारा नगरी थी, ठीक है, इनका कैपिटल क्या था बच्चों, तो धारा नगरी था, ठीक है, क्या था, धारा नगरी इनका कैपिटल था। बताइए इस वंश का अंतिम राजा कौन था, तो महलक देव था, कौन था बच्चों, महलक देव जो है ना ये इस वंश का अंतिम राजा था परमार वंश का। और परमार राजा का सबसे महान राजा कौन था, राजा भोज थे, ठीक है, परमार वंश का महान राजा कौन था, राजा भोज थे। इन्होंने अपनी राजधानी क्या धारा बनाई थी, धार नगरी, धारा या फिर धार नगरी को बनाया था, जो कि आज धार जिला है, ठीक है। और इन्हीं राजा भोज ने बच्चों रायसेन में कहां पर, मंडीदीप में है ना, भोजपुर में, कहां पर, रायसेन जिले के भोजपुर में कहां पर भोजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, किसका, भोजेश्वर मंदिर कहां बच्चों, भोजपुर में, ठीक है, ये शहर भी बसाए थे इन्होंने, और यहीं पर क्या भोजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया राजा भोज ने, ठीक है, राजा भोजपाल, पूरा नाम क्या था, राजा भोजपाल। और देखो शुंग वंश का कौन था, शुंग वंश का बच्चों ध्यान रखना, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था, सुशर्मा, ठीक है, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था, सुशर्मा। और पुष्यमित्र शुंग कौन था इसका संस्थापक, पुष्यमित्र शुंग इस वंश का संस्थापक था, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग क्या था, इस वंश का संस्थापक था। वासुदेव जो द्वितीय था बच्चों ये किस वंश का था, ठीक है, तो आप लोग बताइएगा वासुदेव जो था ना ये किस वंश का अंतिम राजा था, आप लोग बताइएगा, ठीक है, चलो भाई आप लोग बताइएगा कि जो वासुदेव था ये किस वंश का अंतिम राजा था, ठीक है, चलिए। और नाग वंश का कौन था, गणपति नाग था, ठीक है, नाग वंश की बात करें तो बच्चों नाग वंश का अंतिम राजा कौन था, गणपत नाग था, ठीक है, कौन था, गणपत था। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, मध्य प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता कितने प्रतिशत है, मध्य प्रदेश की जो रूरल लिटरेसी है, जो ग्रामीण साक्षरता है, यह मध्य प्रदेश की कितनी है, बताइएगा, ठीक है, चलिए बताओ भाई मध्य प्रदेश की जो ग्रामीण साक्षरता है ये कितने प्रतिशत है, 63.94, 82.85, 78.73 या फिर 59.20। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ग्रामीण साक्षरता जो कितनी, 63.99, ये मध्य प्रदेश की क्या है, ग्रामीण साक्षरता, ठीक है, ग्रामीण लिटरेसी, ये ग्रामीण साक्षरता मध्य प्रदेश की है। और 82.5 जो 85 है ना ये शहरी है, ये मध्य प्रदेश की शहरी साक्षरता है, ठीक है, शहरी साक्षरता मध्य प्रदेश कितनी, 82.85 ये शहरी साक्षरता हो जाएगी, ठीक है। मेल कितने लिटरेट है मध्य प्रदेश में, तो मेल लिखेगा इनकी पुरुष साक्षरता किसमें ज्यादा है, तो सॉरी कितना है, तो 78.73 है। और महिला साक्षरता मध्य प्रदेश में कितनी है, तो नोट करिएगा महिला साक्षरता बच्चों 59.20 ये महिला साक्षरता आ जाएगी, ठीक है। सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन है, जबलपुर, पुरुषों में कौन है, जबलपुर किसमें है, तो मेल कैटेगरी में ध्यान रखना, पुरुषों में जबलपुर है और महिला में भोपाल है,
महिला में धन का, ये पुरुष हो गया ना, मेल और फीमेल, फीमेल में सबसे पढ़ा लिखा कौन है, भोपाल है, ठीक है। तो यहाँ पे जबलपुर इंदौर दोनों कर लीजिएगा, क्या जबलपुर और इंदौर दोनों कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका लिटरेसी रेट बच्चों कहाँ पे सोता है, तो जबलपुर ठीक क्या होगा, और एक मिनट यहाँ पे लिखेगा जबलपुर, ठीक है, क्या लिखिएगा जबलपुर, सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन है, जबलपुर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम पढ़ा लिखा अलीराजपुर है, ठीक है, कौन है, सबसे कम कम साक्षर जिला, नोट करेंगे क्या लिखेंगे, कम साक्षर जिला, और इसका आंसर क्या होगा, अलीराजपुर हो जाएगा, क्या होगा, अलीराजपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पीके थुंगन समिति की स्थापना किस वर्ष में की गई, जो पीके थुंगन समिति थी बच्चों ये किसके लिए थी, पंचायती राज व्यवस्था के लिए थी, पीके थुंगन कमेटी, बताएंगे पीके थुंगन कमेटी जो है इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई, 1977, 1985, 1986 या फिर 1988, क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ भाई। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 1977 क्या थी, अशोक मेहता, अशोक मेहता कमेटी बनाएगी, है ना। फिर 1957 में कौन बनाएगी, तो आपको बताऊंगा बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति बनी, इन्होंने थ्री टीयर सिस्टम की बात कही, कितने थ्री टीयर, अशोक ने क्या कहा, इन्होंने दो टू टीयर सिस्टम की बात कही, इनका ये था कहना कि भाई पंचायती राज मंत्रालय बनाया जाए, इनका क्या कहना था, पंचायती राज मंत्रालय बनाया जाए, ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय किसने बोला, अशोक मेहता जी ने बोला कि पंचायती राज मंत्रालय बनाया जाए, इन पॉइंट को नोट करिएगा, ठीक है, याद रखेंगे इन पॉइंट को नोट करेंगे। और पीके थुंगन कमेटी कब बनाएगी, 1988 में, ठीक है, 1988 में कौन बनाएगी, तो पीके थुंगन कमेटी बनाएगी, एलएम सिंघवी कौन थे, एलएम सिंघवी कमेटी, यहाँ कौन बनी थी, एलएम सिंघवी कमेटी, और यहाँ पर क्या बनी थी, ज्यादा जी वी के राव सरन कमेटी, कौन थी, जी वी के, सॉरी क्या हो जाएगा, जी वी के राव कमेटी, क्या हो जाएगा नोट करेंगे, जी वी के राव कमेटी, जी वी के राव कमेटी, ठीक है। पीके थुंगन कब बनाएंगे, तो पीके थुंगन कमेटी बनी थी, ये 1988 में बनाई गई थी, ठीक है। और पंचायती राज मंत्रालय की बात किसने की, अशोक मेहता जी ने कही थी, बलवंत राय ने थ्री टीयर सिस्टम की बात कही थी। आगे बढ़ जाते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जनपद पंचायत के एक वार्ड में गठन के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, जनपद पंचायत में जो एक वार्ड के गठन के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए बताइएगा। चलो भाई जल्दी से आंसर करेंगे, बताएंगे वार्ड, एक वार्ड में बच्चों होने के लिए ना, एक वार्ड में होने के लिए, एक वार्ड बनाने के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए आप लोग बताइएगा, ठीक है। पंचायत के एक वार्ड में होने के लिए बताइएगा कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, जनपद पंचायत की बात हो रही है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना यहाँ पे, जो इसमें मैंने बताया ना अशोक मेहता पंचायती राज, तो बच्चों सब किससे संबंधित है, याद रखना ये सब आपके पंचायती राज से संबंधित किससे हैं, पंचायती राज से सारी प्रक्रिया संबंधित है। और आप सभी को पता है कि पंचायती राज कब लागू किया गया था भारत में, तो 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था का जो कानून कब बना था, 1992 में, ठीक है। पंचायती राज जो अधिनियम आया था कब आया था, 1992 में, और इसे लागू कब किया गया था पूरे भारत में, तो लागू किया गया था बच्चों भारत में, नोट करना, 1993 कब, 1993 में 24 अप्रैल को। और मध्य प्रदेश ने इसे कब लागू किया गया था, तो मध्य प्रदेश बच्चों 25 जनवरी क्या था, 1994 ये लागू किया गया था मध्य प्रदेश में। और पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, पूर्ण रूप से आ जाना 20 अगस्त को, ठीक है, 20 अगस्त 1994 पूरे पंचायती राज को कहां पर, मध्य प्रदेश अंदर लागू किया गया। इसके लिए आर्टिकल क्या है, 243 से लेकर 243 ओ, ठीक है, ये आर्टिकल है। और एक चीज और नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, एक नोट करेंगे कि जो पंचायत बच्चों, ठीक है, पंचायत जो होती है, ठीक है, ये जो पंचायत और जनपद और जिला, ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर, तो बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसे बनाया गया था। चलो भाई पंचायत ग्राम जो जनपद पंचायत बच्चों, जनपद पंचायत में वार्ड मेंबर होने के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई जनपद पंचायत में एक वार्ड के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो बच्चों 5000 से ऊपर, ठीक है, कितना है, 5000 से ऊपर के लिए क्या होना चाहिए, एक वार्ड होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। और कहां तक, 50000, ठीक है, कितना, 50000 तक हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल 25 मिनिमम कितने होंगे, तो मिनिमम याद रखना कम से कम 10, ठीक है, अधिकतम कितना होंगे, 25 वार्ड होंगे मिनिमम को, अधिकतम 25 वार्ड यहाँ पर बनाए जाएंगे, वार्ड मेंबर कितने होंगे, 25 यहाँ पर अधिकतम होंगे। और जिला पंचायत में क्या, 50000 से ऊपर, ठीक है, एक वार्ड बनाने के लिए जिला पंचायत में कितना, मिनिमम 50 से ऊपर हो सकते हैं, ठीक है।
तो पंचायत के लिए कितनी है, जिला पंचायत के लिए ज्यादा 50,000 हो गया। ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और पंच के लिए सॉरी सरपंच पद के लिए कितना, प्रधान के बनने के लिए कितना होना चाहिए वोटर, क्या 5,000 से कम। ठीक है कितना 5,000 से कम पे क्या होगा, याद रखना आपका सरपंच बनते हैं यानी कि ग्राम प्रधान का गठन किया जाता है, किसका होता है ग्राम प्रधान का गठन होता है। ठीक है और 1,000 कम से कम यहाँ पर पंचायत के लिए क्या होगा, पंचायत के लिए क्या दिया गया, तो जो है ना आपके है ना जनपद पंचायत के गठन के लिए कम से कम पंचायत के लिए है ना न्यूनतम पंचायत में नोट करना जो न्यूनतम होगा वो कितना होगा, एक हजार कितनी होगी, 1,000 की कम से कम जनसंख्या होनी जरूरी है पंचायत के गठन के लिए। आइए मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, मध्य अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट। ठीक है शेड्यूल कास्ट के लिए मध्य प्रदेश में कितनी सीटें है, बच्चों 35 सीटें, कितनी 35 सीटें शेड्यूल कास्ट की है। और एसटी के लिए कितनी, तो एसटी के लिए 47 है और एससी के लिए कितनी 35 सीटें। और 29 सीटें किसकी, लोकसभा की है, लोकसभा की कितनी सीटें 29 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी है नोट करना 19 सीटें। ठीक है राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 19 सीटें हैं मध्य सॉरी 29 सीटें लोकसभा की कितनी 29 हैं और 11 किसकी हैं लोकसभा की 29 है, विधानसभा की 230 हैं। अभी बता दिया आप लोगों की विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 230 सीटें किसकी हैं विधानसभा की मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ भाई, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट हो तो बताइएगा। आइए बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवंतराव मंडलोई किस वर्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चलो भाई बताएंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका ये। ठीक है बताएंगे कि भगवंतराव मंडलोई ये है ना, सभी बच्चे एक बार तो क्लास को शेयर कर लो भाई जल्दी से, एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर कर लीजिएगा, जितने बच्चे हमारे साथ लाइव है ना सभी बच्चे क्लास को एक बार जल्दी से फटाफट शेयर कर लीजिएगा। चलो भाई जल्दी से बताएंगे है ना, सारे बच्चे क्लास को एक बार जल्दी से फटाफट शेयर कर लीजिएगा, बताएंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। भगवंतराव मंडलोई बच्चों ना ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब थे, तो ध्यान रखना ये 1962 में। ठीक है कब थे बच्चों, 1962 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो भगवंतराव मंडलोई जी थे। कौन थे, भगवंतराव मंडलोई जी थे। ठीक है द्वारका प्रसाद मिश्र जी कब थे, द्वारका प्रसाद जी नोट करना 1963 में थे। द्वारका प्रसाद मिश्र जी ये कब थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, द्वारका प्रसाद मिश्र जी बच्चों ये मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के थे 1963 में, कब 1963 में। 1967 में देखो कौन था, 1967 बच्चों गोविंद नारायण सिंह। ठीक है ये सतना जिले के थे, गोविंद नारायण सिंह ये कहाँ के थे, सतना जिले के थे और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है सीएम रहे और इनके बेटे भी विधायक रह चुके हैं। ठीक है इनके बेटे जो ना गोविंद नारायण सिंह इनके बेटे क्या है, अभी वर्तमान में विधायक है और ये मध्य प्रदेश के कहाँ से है, सतना बच्चों रामपुर, रामपुर बघेलान, क्या नाम है रामपुर बघेलान का नाम सुना होगा। तो ये कहाँ के थे, गोविंद नारायण सिंह, ये सतना जिले से थे। और 1969 में कौन था मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो नरेश चंद्र का नाम सुना होगा, किसके बारे में नरेश चंद्र कहाँ के मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के थे और मात्र 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए थे। ठीक है क्या 13 दिन के लिए। और अर्जुन सिंह सबसे कम क्यों रहा है, तो अर्जुन सिंह ये सबसे कम समय के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एक दिन के लिए। ठीक है पहला कौन था, तो पहला मुख्यमंत्री याद रखना पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है क्या नाम था, पंडित रविशंकर शुक्ल ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश का पहला प्रोटेम स्पीकर कौन था। ठीक है बताइएगा, प्रोटेम स्पीकर तब चुना जाता है जब हम एक नई मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, एक नया चुनाव होने के बाद जब नई सरकार चुनी जाती है तो उस बीच में जो कानूनी प्रक्रियाएं होती है, जो वैधानिक प्रक्रियाएं होती है, उसको चलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर का स्थापना, एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। तो बताएंगे इनमें प्रोटेम स्पीकर पहला मध्य प्रदेश का प्रोटेम स्पीकर कौन था। ठीक है काशी प्रसाद पांडे जी थे, विश्वनाथ तामस्कर थे, विष्णु विनायक सरवटे या फिर जमुना देवी, बताओ भाई क्या हो जाएगा। ठीक है बताएंगे तो बच्चों इसका हो जाएगा काशी प्रसाद पांडे, क्या होगा काशी प्रसाद पांडे जी को 1956 में क्या बनाया गया था, याद रखना इन्हें स्पीकर बनाया, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, मतलब मध्य प्रदेश का कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष क्या था, कार्यवाहक जो विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था किसे बनाया गया था, काशी प्रसाद पांडे जी को बनाया गया था। ठीक है क्या काशी प्रसाद पांडे जी को बनाया गया था। विधायक तमस्कर जी थे कौन, तो विश्वनाथ तमस्कर बच्चों ये विपक्ष के नेता थे, क्या थे ये विपक्ष के
विपक्ष के नेता कौन थे? तो विपक्ष का पहला नेता कौन था? नोट करना, विष्णु विश्वनाथ तामस्कर जी थे, ध्यान रखना। और विष्णु विनायक सरवटे के ये कौन थे? तो विष्णु विनायक सरवटे बच्चों याद रखना, ये मध्य प्रदेश के क्या रहे हैं, ठीक है। चलिए बताएंगे कि जो विष्णु विनायक सरवटे थे, ये विष्णु विनायक जो सरवटे है ना, ये मध्य प्रदेश के कौन थे आप लोग एक बार बताइएगा। जमुना देवी क्या थी? पहली उप मुख्यमंत्री, ये क्या थी? उप मुख्यमंत्री थी। और ये विधानसभा में महिला विपक्ष की नेता, पहली महिला जो विपक्ष की नेता और उप मुख्यमंत्री कौन था? जमुना देवी जी बनाई गई थी। कौन? जमुना देवी, ठीक है। और ये क्या थी? अपोजिशन लीडर, विपक्ष की नेता भी कांग्रेस में, ठीक है। कांग्रेस में सदन की विपक्ष की नेता कौन थे? तो विपक्ष की नेता बच्चों आप याद रखना, आपकी जमुना देवी जी थे। धार जिले से संबंधन का कहां से? धार जिले से। और विष्णु विनायक सरवटे क्या थे आप लोग बताइएगा, ठीक है। विष्णु विनायक जो सरवटे हैं ये मध्य प्रदेश में किस पद पर रहे हैं आप लोग इनके बारे में कमेंट करके बताइएगा। आओ भाई, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगने के समय राज्यपाल कौन था? जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो मध्य प्रदेश का राज्यपाल इनमें से कौन था? कुंवर महमूद अली थे, चप्पूदिरा मुथाना पुनाचा थे, या फिर अगर मैं बात कर लूं तो सत्यनारायण सिन्हा, इनमें से बताइएगा कौन था, ठीक है। जब पहली बार मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश में याद रहा, जब मध्य प्रदेश में पहली बार इमरजेंसी लगाई गई तो मध्य प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष, सॉरी मध्य प्रदेश का जब राष्ट्रपति लगा तो राज्यपाल कौन था? तो सत्यनारायण सिन्हा थे, ठीक है। सत्यनारायण सिन्हा क्या थे कब थे? तो 1977 में। फिर क्या नाम है, क्या नाम? चंपूदिरा, ठीक है। चंपूदिरा मुथना बंचा, ये कब थे? 1980 में थे। और नेक्स्ट टाइम यानी कि 1992 की बात करें बच्चों, जब थर्ड टाइम लगाया गया मध्य प्रदेश में है ना राष्ट्रपति शासन, तब कौन था? तो महमूद अली खान थे। तो आप देख सकते हैं ये बेहतर तरीके से ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, और मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री जिसके समय पर यह लगा, श्यामा चरण शुक्ल थे, क्या थे? श्यामा चरण शुक्ल कौन थे? तो याद रखो श्यामा चरण शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अभी कौन है? मामा जी, ठीक है। अभी कौन है? मामा जी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश का पहला पुलिस महानिरीक्षक कौन था? मध्य प्रदेश का जो पहला पुलिस महानिरीक्षक था ये कौन था बताइएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला पुलिस महानिरीक्षक कौन था बताओ भाई जल्दी से, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला पुलिस महानिरीक्षक कौन था बताइएगा, ठीक है। फटाफट आंसर करके बताएंगे कि मध्य प्रदेश का पहला पुलिस महानिदेशक इनमें से कौन था, ठीक है। चलिए बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, कि मध्य प्रदेश बच्चों है ना, मध्य प्रदेश का पहला पुलिस महानिरीक्षक कौन था है ना, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, क्या बोलते हैं इसको? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अब क्या बोलते हैं? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अब क्या हो गया? इसी को आप डीजीपी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? डीजीपी बोलते हैं। तो बताइए जो आईजीपी थे पहले मध्य प्रदेश के ये कौन थे, ठीक है। आईजीपी की बात की जा रही है, और आईजीपी मध्य प्रदेश का पहला कौन था? तो बीजी घाटे थे। कौन थे? बीजी घाटे बच्चों मध्य प्रदेश के पहले क्या थे? पुलिस महानिरीक्षक। और बीपी दुबे, ठीक, कौन है? बीपी दुबे कौन थे पहले? क्या थे? डीजीपी थे। मध्य प्रदेश का पहला डीजीपी कौन था? बीपी दुबे, याद रखना, ये मध्य प्रदेश के डीजीपी थे, ठीक है, ध्यान रखना। कौन थे? बीपी दुबे, ये डीजीपी थे पहले, क्लियर हो गया। अभी कौन है वर्तमान में एक बार आप बताइएगा, ठीक है। अभी कौन है वर्तमान में आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज सेशन को हम यही ओवर करते हैं। इसके पहले मैं आपकी ओवर करूं, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दो बच्चों के एग्जाम को, ना आप लोगों के लिए यहाँ पर दिवाली ऑफर लेकर आया, क्या दिवाली ऑफर लेकर आया है, और आप लोग यहाँ पर जाकर के एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। और दिवाली क्या इस्तेमाल करेंगे? दिवाली 75 कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 75% का ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्या ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और तमाम अपने आपको रजिस्टर्ड जब करेंगे ना, तो बच्चों याद रखना यहाँ पर आप जब दिवाली, अगर आपको कोर्स लेना है, अगर आप कोर्स बाय करते हैं, अभी आपको पता होगा कि एसएससी जीडी किसके लिए, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस, इनके लिए अभी बैच लॉन्च कर दिए गए हैं, ये जो कि लेटेस्ट बैच है, आप इनसे जुड़ सकते हैं। तो अगर आप इसे जोड़ते हैं, अगर आप ये ऑफर है बच्चों देखेंगे, अगर आप लेते हैं तो ये ऑफर कब तक के लिए वैलिड है? 27 अक्टूबर के लिए ऑफर वैलिड रहेगा, कब तक? 27 अक्टूबर तक के लिए ऑफर ये वैलिड है, ठीक है। तो चलिए फिर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने है ना सेशन को एंजॉय किया होगा, तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, तो बच्चों ध्यान रखना, एग्जामपुर ना आप लोगों के लिए बुक लॉन्च किया है, ठीक है। क्या लॉन्च किया है? तो एग्जामपुर ने आप लोगों के लिए किताब लॉन्च की है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये किताबें आप लोगों के लिए हैं। इसमें 12 टोटल किताबें, कितनी? 12 किताबें हैं, और ये आपके घर में 1 से 15 नवंबर के बीच में पहुंच जाएंगे, क्या 1 से 15 नवंबर के बीच में ये पहुंच जाएंगे बच्चों। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है खबर की, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। एक चीज और बता दूं कि इसके अंतर्गत, ठीक है, तमाम सारा का सारा फ्लो चार्ट में किस में दिया गया है? फ्लो चार्ट में सारा का सारा ये पढ़ाया गया, ठीक है। मतलब कि जो थ्योरी भी बताई गई ना, पूरी फ्लो चार्ट भी बताई गई, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा मददगार और कारगर होगी।
और ये किताब आपको 1 से 15 नवंबर के बीच में आपके घर में पहुंच जाएगी। 1299 की फीस है। कितनी है किताबों की जो फीस है ना, ये 1299 के लगभग है। इसमें बेहतर तरीके से हर चीज़ को है ना, पॉइंट टू पॉइंट तमाम सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो बता दीजिएगा, और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखेंगे और मिलते हैं फिर आपसे एक नए सेशन में, ठीक है? तो चलो, ठीक है बच्चों, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ठीक है? अपना ध्यान रखेंगे, गुड नाइट, बाय, मिलते हैं कल आप लोगों से, ठीक है? बाय।